आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के लिए विद्यालय द्वारा एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी विद्यालय आएं और उस मॉड्यूल को विद्यालय से प्राप्त कर लें और उस मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करें और विद्यालय पर आकर के उस मॉड्यूल को जरूर प्राप्त कर लें। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 क्लास 11th का, ये सेकेंड पार्ट है, चैप्टर मापन और मात्रक। ये लेसन 2 मापन और मात्रक पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आज बीमा के बारे में सीखेंगे, डायमेंशन किसे कहते हैं। तो मूल मात्रकों, मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक में आता है मीटर, किग्रा, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, मोल, मूल मात्रक में एम्पियर, ये सब आते हैं। तो मीटर, किग्रा, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, मोल और एम्पियर, ये सभी मूल मात्रक हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है मूल मात्रक, ये 7 मूल मात्रक यहाँ दर्शाए गए हैं, मीटर, किग्रा, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, मोल और एम्पियर, ये 7 मूल मात्रक हैं। तो मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। देखिए, बीमा जब हम लिखेंगे उदाहरण के माध्यम से तो फिर इसकी हम परिभाषा रिविजन करेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम बीमा के बारे में, बीमा कैसे निकालते हैं, किस भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, सबसे पहले इसे हम लोग देख लें, फिर बीमा की परिभाषा एक बार पुनः देखेंगे तो बीमा की परिभाषा में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यह जान लें कि मीटर, किग्रा, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, मूल, एम्पियर जो लिखा हुआ है यह मूल मात्रक है और इन मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमा हमें याद रखनी चाहिए। बीमाओं से लाभ क्या है, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि बीमा से लाभ क्या, बीमा किसे कहते हैं। तो मूल राशि, मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। बीमा कैसे निकालते हैं, अभी हम इसे देखते हैं। बीमा का उपयोग क्या है, बीमा के माध्यम से हम किसी भी सूत्र या समीकरण के सत्यता की जांच कर सकते हैं कि फिजिक्स का अगर कोई फार्मूला लिखा है, कोई समीकरण लिखा है, तो वह सत्य है कि असत्य है, इसकी जांच हम बीमा विधि से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा विधि से किसी भी सूत्र के द्वारा हम, बीमा के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। बीमा विधि से विभिन्न सूत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। बीमा विधि से किसी भी भौतिक राशि का जो मान होता है उसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, उसको सेमी प्रति सेकंड में बदलना है, या घनत्व दिया हुआ है किग्रा प्रति मीटर क्यूब में, उसको ग्राम प्रति सेमी क्यूब में बदलना है। तो इस प्रकार से मात्रकों को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बीमा विधि से। तो बीमा के कई उपयोग हैं। बीमा का उपयोग क्या क्या हमने देखा, एक यह है कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक से दूसरी मात्रक में बदला जा सकता है। किसी भी भौतिक समीकरण या सूत्र के सत्यता की जांच की जा सकती है। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित किया जा सकता है। ये सारे वर्क बीमा की सहायता से किए जा सकते हैं। बीमा ज्ञात कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए हमें इन 5 भौतिक राशियों की बीमा मालूम होना चाहिए।
लंबाई का बीमा होता है एल, द्रव्यमान का बीमा होता है एम, समय का बीमा होता है टी, ताप का बीमा होता है थीटा, विद्युत धारा का बीमा होता है ए। तो पहली बात तो यह जान लें कि बीमाओं को सदैव बड़े कोष्टक के साथ लिखा जाता है। यदि हम बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे तो वह बीमा नहीं कहलाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा को बड़े कोष्टक के साथ में व्यक्त किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि की बीमा को सदैव बड़े कोष्टक के साथ व्यक्त किया जाता है। लंबाई की बीमा L होती है, द्रव्यमान की बीमा M होती है, समय की बीमा T होती है, ताप की बीमा थीटा होती है, विद्युत धारा की बीमा A होती है। इन पांच भौतिक राशियों की बीमाएं यदि हमें याद हैं तो हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चाल की बीमा, चाल है, बल है, कार्य है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, किसी चुंबकीय फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, घनत्व है, अपवर्तनांक है, किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते इन पांच भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं वह हमें सदैव याद होनी चाहिए। अगर यह पांच भौतिक राशियों की बीमाएं हमें याद हैं तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान रखना है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा यदि ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र हमें पहले याद होना चाहिए। जैसे घनत्व की बीमा ज्ञात करनी है तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बल की बीमा ज्ञात करनी है तो बल का सूत्र क्या होता है, एम बराबर एम ए। तो इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करनी हो, चाहे वह कार्य हो, सामर्थ्य हो, ऊर्जा हो, बल हो, चाल हो, अपवर्तनांक हो, कोई भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना हो तो हमको उसका पहले फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला नहीं याद है तो हम उसकी बीमा नहीं ज्ञात कर सकते। किसी भी भौतिक राशि की अगर बीमा ज्ञात करनी है तो उसकी फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो हम इनकी सहायता से उस भौतिक राशि का बीमा ज्ञात कर लेंगे। जैसे घनत्व की बीमा हमें ज्ञात करनी है, देखिए तो घनत्व की बीमा अगर हमें ज्ञात करनी है तो सबसे पहले घनत्व का सूत्र आप लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे घनत्व का सूत्र, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, अब हमें घनत्व का बीमा ज्ञात करना है तो घनत्व की बीमा ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे इसलिए, घनत्व की बीमा बराबर, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमा लिख देंगे यम, और आयतन का बीमा लिखेंगे एल क्यू, क्योंकि आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, एल गुणे एल गुणे एल हो जाएगा, एल क्यू ऊपर चला जाएगा तो एल पर माइनस थ्री हो जाएगा। इस प्रकार से घनत्व की बीमा क्या प्राप्त हो गई, घनत्व की बीमा होती है एम एल पर माइनस थ्री, एम एल पर माइनस थ्री, ये हो गया घनत्व की बीमा। तो अभी तक हमने क्या जाना, तो जरा ध्यान देंगे सभी लोग, बीमा किसे कहते हैं। मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। दूसरी बात, किसी भी भौतिक राशि की बीमा यदि लिखनी हो तो उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तभी हम इसकी बीमा को बता पाएंगे। तीसरी चीज, किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखनी हो तो इन पांच भौतिक राशियों की बीमा पहले याद कर लें। लंबाई की बीमा एल होती है, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, समय की बीमा टी होती है, ताप की बीमा थीटा होती है, विद्युत धारा का बीमा ए। इस प्रकार इन पांच का बीमा याद रहेगा तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम लिख सकते हैं अगर उसका हमें सूत्र याद है। दूसरी बात, बीमाओं को सदैव बड़े कोष्टक के साथ व्यक्त करना अनिवार्य है। दूसरी बात, जैसे यहाँ लिखा गया है कि लंबाई की बीमा एल होती है, तो जरा ध्यान देंगे
अगर लंबाई की बीमा यल होती है तो सभी प्रकार की दूरियों की बीमा यल लिया जाएगा। जैसे लंबाई की बीमा यल होती है तो लंबाई की बीमा यल होती है तो चौड़ाई का भी यल होगा, ऊंचाई का भी यल होगा, गहराई का भी यल होगा, विस्थापन का भी यल होगा, तरंग दैर्ध्य का भी बीमा यल होगा। तो जितनी प्रकार की दूरियां होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, तरंग दैर्ध्य, फोकस दूरी, परास, जितनी भी प्रकार की दूरियां होंगी, हर एक दूरी का बीमा यल होगा। लंबाई की बीमा यल होती है तो सभी प्रकार की दूरियों की बीमा यल होगा। तो इन पांच भौतिक राशियों की बीमा आप याद रखेंगी तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा हम याद कर सकते हैं, अगर उसका सूत्र हमें मालूम है तब। बीमाओं को सदैव बड़े कोष्ठक के साथ व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आपने यह देखा, इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन में भी, जैसे यहाँ पर घनत्व की बीमा ज्ञात किया गया है, इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियों की बीमा निकालने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपको वेग की बीमा बताना है, त्वरण की बीमा बताना है, बल की बीमा बताना है, कार्य का बीमा बताना है, तो सबसे पहले हमें इनका सूत्र याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को वेग की बीमा बताना है, वेग का पहले सूत्र याद होना चाहिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन की बीमा हो जाएगी यल, क्योंकि अभी अभी देखा गया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, परास, तरंग दैर्ध्य, विस्थापन, डॉपलर विस्थापन, परास, सबकी बीमा यल होती है। समय का बीमा हो जाएगा आपका टी, तो टी पर एक घात है, जब ये टी ऊपर जाएगा तो टी पर ऋण एक हो जाएगा घात, टी जब ऊपर जाएगा तो टी पर हो जाएगा माइनस वन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा त्वरण, ए बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग परिवर्तन डेल्टा भी, तो यहां वेग का बीमा है एलटी पर माइनस वन, एलटी पर माइनस वन है वेग की बीमा। अब बटा डेल्टा टी समय है, तो समय के का बीमा टी हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा यल टी पर माइनस वन है, और ये टी पर वन जाएगा ऊपर तो माइनस वन हो जाएगा, और एक माइनस वन पहले से था तो माइनस टू हो जाएगा टी पर। बल बराबर होता है बल एफ बराबर एम ए, तो बल की बीमा निकालने के लिए द्रव्यमान की बीमा और त्वरण की बीमा का गुणा कर देंगे तो बल की बीमा मिल जाएगा। तो द्रव्यमान का बीमा हो गया, द्रव्यमान का बीमा एम हो गया, और त्वरण का बीमा, ये त्वरण का बीमा आया है एल टी पर माइनस टू, यह हो जाएगा मल्टीप्लाई करके एक कोष्टक में कर देंगे, ये हो जाएगा यम एल टी पर माइनस टू, ये आपका बल का बीमा हो जाएगा। कार्य का बीमा निकालना है तो कार्य का सूत्र याद होना चाहिए, कार्य W बराबर एफ एस बल गुणे विस्थापन, तो कार्य की बीमा बराबर बल की बीमा गुणे विस्थापन की बीमा, तो बल का बीमा हो जाएगा, ये बल का बीमा है यम एल टी पर माइनस टू, ये बल का बीमा हो जाएगा गुणे विस्थापन, तो विस्थापन का बीमा यल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा यल दो जगह है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यल दो जगह है, दोनों यल मल्टीप्लाई जब करेंगे, एक यल यह एक यल यह, तो यल स्क्वायर हो जाएगा टी पर माइनस टू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेग की बीमा यल टी पर माइनस वन होती है, त्वरण की बीमा एल टी पर माइनस टू होता है, बल की बीमा एम एल टी पर माइनस टू होता है, कार्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू होती है। इस प्रकार से बीमाओं को निकालने की पद्धति है। तो बीमाओं को सदैव, किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा लिखना होगा तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा जब लिखना होगा तो सबसे पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र यदि याद नहीं रहेगा तो हम बीमा को कतई नहीं लिख सकते। तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखने के लिए उसका फार्मूला याद होना जरूरी है। दूसरी बात, बीमाओं को सदैव बड़े कोष्ठक के साथ लिखना अनिवार्य होता है। तीसरी बात, हम बताए कि जैसा कि लंबाई का बीमा यल होता है, द्रव्यमान की बीमा यम होता है, समय की बीमा टी होता है, ताप की बीमा थीटा होता है,
तो ये जो विद्युत धारा की बीमा ए होता है, ये पांच भौतिक राशि की बीमा सदैव याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, अन्य भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं। इसके पहले आप लोगों ने घनत्व की बीमा भी देखा था। यदि संवेग की बीमा ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान की बीमा और वेग की बीमा का गुणा हो जाएगा तो संवेग की बीमा मिल जाएगा। तो द्रव्यमान का बीमा m हो गया और वेग का बीमा LT पर माइनस वन हो गया। मल्टीप्लाई जब कर देंगे एक कोष्टक में करेंगे जब, तो m LT पर माइनस वन हो जाएगा बीमा। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का बीमा L हो गया, चौड़ाई का बीमा L हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई विस्थापन परास की बीमा L होती है। तो L गुणे L हो जाएगा, तो यह हो जाएगा L, L का मल्टीप्लाई करके L स्क्वायर हो जाएगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से यल गुड़े यल गुड़े यल, लंबाई की बीमा यल होगी, चौड़ाई की बीमा यल होगी, ऊंचाई की बीमा यल होगी। तो लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा यल, ऊंचाई की बीमा यल गुणा करेंगे तीनों का, तो यल क्यू हो जाएगा। सामर्थ्य पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी कार्य बटा समय। तो कार्य की बीमा अभी पहले आप लोगों ने देखा था कि कार्य का बीमा आया था इसके जस्ट पहले एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू आया था कार्य का बीमा, और समय का बीमा टी होता है जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर टी पर माइनस टू है, यहाँ टी पर वन है। जब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा टी पर, और माइनस टू पहले से है तो माइनस थ्री हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री हो जाएगा। इस प्रकार संवेग की बीमा एम एल टी पर माइनस वन होती है, क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर होती है, आयतन की बीमा एल क्यूब होती है, सामर्थ्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को गतिज ऊर्जा की बीमा ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा की बीमा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे गतिज ऊर्जा की बीमा बराबर, गतिज ऊर्जा की बीमा बराबर तो एक बटा दो है, तो अंकों की बीमा नहीं होती है। अंक पाई लाग और साइन कॉस टेन कॉस से कासेक, इनकी बीमा नहीं होती है, इनको नहीं देखेंगे। द्रव्यमान है यम, द्रव्यमान का बीमा यम हो गया। भी वेग होता है तो वेग का एल टी पर माइनस वन हो गया, घात दो उतर जाएगा, तो वह घात दो जब अंदर जाएगा तो यल पर दो एकन्ने दो हो जाएगा माइनस टू, यानी गतिज ऊर्जा की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू। गतिज ऊर्जा की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू। तो अभी तक हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, एक बार ध्यान से देखें शुरू से लास्ट तक। पहली चीज, बीमा किसे कहते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ी घातों को बीमा कहते हैं। दूसरी चीज, बीमा का क्या उपयोग है, बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि अथवा भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच की जा सकती है, बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को ज्ञात किया जा सकता है, बीमा की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं। सावधानियां क्या हैं, बीमा में अंकों को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बीमा में अंक पाई लाग साइन कॉस टेन कॉट से कासिक त्रिकोणमितीय फलनों की बीमा नहीं होती है। बीमाओं को सदैव बड़े कोष्टक के साथ लिखा जाता है। पांच भौतिक राशियों की बीमाएं आप लोग याद कर लें, लंबाई समय ताप, लंबाई समय द्रव्यमान ताप और विद्युत धारा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, नवल एकेडमी के इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।